हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये होम थिएटर है, एलजी का बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली होम थिएटर है। बट एलजी का जो भी ब्रांडेड होम थिएटर रहती है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वाली प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, और एसएमपीएस पावर सप्लाई इसमें दिया हुआ जो कि ख़राब हो चुका है। तो इस एसएमपीएस पावर सप्लाई को कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरा फ्रेंड, और इसको रिपेयर करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए पहले मैं आपको लाइन दे के दिखाता हूँ कि इसमें लाइन नहीं आ रही, मतलब पावर जो है तो पावर इसमें नहीं आ रही फ्रेंड। तो इस पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा मॉड्यूल है एलईडी टीवी का, 24 वोल्ट तक ये काम करेगी फ्रेंड। तो चलिए इस मॉड्यूल का सर्किट डायग्राम और इसका डिफरेंट सारा चीज़ को आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे वीडियो को दिखाते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, पहले मैं इस सर्किट डायग्राम को पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ही जो है ये पावर सप्लाई का कनेक्शन आप कर पाएंगे होम थिएटर रिपेयरिंग का। तो फ्रेंड, जो भी इसमें कनेक्शन है इजीली आप इसको कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, इस सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। इसके अनुसार ही अब होम थिएटर या एलईडी टीवी का ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है, तो मैं होम थिएटर में यूज करके आपको दिखाऊंगा सिंपली, और इसको 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक का पावर सप्लाई में इसको यूज कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, सर्किट डायग्राम को आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो सर्किट डायग्राम बने हुए हैं, और जैसे कि ट्रांसफार्मर का कोयल है, एक कोयल है प्राइमरी सेक्शन का। तो ट्रांसफार्मर में आपको कोयल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेक्शन कुछ इस तरीके से, और एक कोयल कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा सेकेंडरी साइड में कुछ इस तरीके। जैसे कि यहाँ पे हमने बना के रखा यार, यहाँ पे एक 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगी हुई फ्रेंड, 25 वोल्ट और कुछ भी माइक्रोफेरेड होगा फ्रेंड, तो सबका अलग अलग माइक्रोफेरेड यूज किया जाता है फ्रेंड। और यहाँ पे एक शॉटकी डायोड लगी हुई है जिस डायोड से इसमें डीसी करंट बनती है फ्रेंड। अब देखिए इस पावर सप्लाई में यहाँ पर भी एक लगभग 450 वोल्ट या 500 वोल्ट के आसपास का यहाँ पे कैपेसिटर लगी होगी फ्रेंड। माइक्रोफेरेड आपका 100 के लगभग में या 50-60 के लगभग में माइक्रोफेरेड होगी यहाँ पे। तो इस कैपेसिटर और इस ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन इसमें होगी फ्रेंड। तो देखिए मॉड्यूल के यहाँ पे चार तार हैं, एक आपका देखिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल दिखा देता हूँ। ये हमारा समझ लीजिए मॉड्यूल है, एक हमारा हो गया ब्लैक, एक हो गया रेड, एक हो गया ब्लू, एक हो गया येल्लो। ये हमारा हो गया ब्लैक, रेड, ब्लू, येल्लो। तो जो ब्लैक वाली तार है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक वाली तार ये हमारा फ्रेंड, तो ब्लैक वाली तार को इस बड़ी वाली कैपेसिटर को जिसमें आप एसी वोल्ट चेक करेंगे 300 वोल्ट आएगी फ्रेंड, 300 वोल्ट, 250 वोल्ट या 220 वोल्ट के आसपास आएगी। तो जिसमें ब्लैक वाली तार है नेगेटिव पॉइंट में इसको इस नेगेटिव पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर में आपका नॉर्मल सा कैपेसिटर कुछ इस तरीके से रहता है, ये दो तार निकली रहती है कैपेसिटर में, कुछ इस तरह से डोनट ऐसे करके निशान दिए हुए रहती है। जिस तरफ इस तरह का निशान दिया रहेगा उस तरफ का पॉइंट आपका जो है नेगेटिव होगी फ्रेंड। चलिए यहाँ पर नेगेटिव वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिया फ्रेंड। अब जो है रेड वाली वायर जो है फ्रेंड, सिंपल सा है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के दो तार हम आपको दिखाए, ट्रांसफार्मर के दो तार को खोजना पड़ेगा। दो तार को खोजने के बाद जो पॉइंट आएगी ट्रांसफार्मर का, एक तो कैपेसिटर से प्लस होके इस ट्रांसफार्मर में गई हुई, इस कैपेसिटर से होके इस ट्रांसफार्मर में गई है, बाकी जो सेकेंडरी साइड का पॉइंट होगा फ्रेंड उस पॉइंट में रेड वाली पॉइंट को जोड़ देंगे। अर्थात जो एक ट्रांजिस्टर 1, 2, 3 पॉइंट का होगा या आईसी होगा 8 पिन का, जैसे कि ट्रांजिस्टर आपको सिंपल सा बता देता हूँ फ्रेंड, कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट होगा, और ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है जो कि 3.1, 2, 3, तो ये तीनों पॉइंट में किसी एक में जोड़ के देखेंगे जिससे कि एसएमपीएस चालू हो जाएगी। और आईसी में आपका होगा 8 पिन में किसी एक पिन में लगा के देखना होगा, जिस पिन में चालू हो जाएगी उस पिन में कनेक्ट कर देंगे। अर्थात इस ट्रांसफार्मर का अर्थात ये पॉइंट में कनेक्ट होगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ये हो गया हमारा 2 पिन का कनेक्शन। अब बची 2 पिन ब्लू और येल्लो, तो ब्लू पॉइंट को यहाँ पे सेकेंडरी साइड में डायोड के बाद जो यहाँ पे कैपेसिटर 25 वोल्ट दिख रही है, इस 25 वोल्ट कैपेसिटर में ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये नेगेटिव वाली पॉइंट, तो नेगेटिव वाले पॉइंट में ब्लैक वाली हम लोग कनेक्ट कर दिए। येल्लो तार जो है पॉजिटिव वाला कैपेसिटर के कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो है हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो सिंपल सा कनेक्शन है, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आगे वीडियो में बने रहिएगा तो पूरा तरीके समझ आइएगा, और आपका जो होम थिएटर है पूरी तरीके से काम करेगी। लो नॉर्मल ऐसा अगर होम थिएटर आती है, तो हाई लेवल का होम थिएटर होता है,
तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन नॉर्मल इस तरह का होम थिएटर, नॉर्मल छोटा कैटेगरी का होम थिएटर जो है 12 वोल्ट तक, तो आपका 100% काम करेगी ये मॉड्यूल। चलिए फ्रेंड आगे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड मेरा आगे वीडियो में आ चुके हैं फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस मॉड्यूल को यहीं पे उपयोग करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा सा कैपेसिटर दिख रहा है, जिसको मैंने सर्किट डायग्राम में समझाया, जो कि 300-400 वोल्ट के आसपास होगी फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसी के आसपास यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, जैसे कि सर्किट डायग्राम में आपको बताया हूँ फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको मॉड्यूल का कनेक्शन दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है मेन कैपेसिटर जो है आपका जो होगी लगभग वोल्टेज आपका जो 400 वोल्ट के आसपास जो है, वहाँ पे 300 वोल्ट चेक कर लेंगे। तो उसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट में मैंने कनेक्ट कर दिया। और जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सेकंड वाली पॉइंट है, जो कि यहाँ पे दिखेगी, जो कि मैं दिखा रहा हूँ सही से, उसके वही पॉइंट में, और वहाँ पे जो छोटा सा आईसी लगा हुआ है, उस आईसी वाला पॉइंट में किसी एक पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जाती है फ्रेंड। तो उस वाली पॉइंट में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सिंपल सा कौन सा कनेक्शन में कनेक्ट करना, आईसी पिन में मिले या नहीं मिले, लेकिन ट्रांसफार्मर वाला पॉइंट में किसी एक में कनेक्ट करेंगे, आपका चालू हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, ब्लू वाली जो पॉइंट है सेकेंड साइड, 25 वोल्ट कैपेसिटर बड़ी वाली, उसमें ब्लू वाले कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कभी कभी दो कैपेसिटर रहती है, किसी एक में कनेक्ट कर देनी है। और पीला वाले वायर को पॉजिटिव वाले साइड में, यहाँ पर डबल कैपेसिटर लगा हुआ, तो किसी का एक पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है आपका पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर लेकर आया हूँ और चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 326 वोल्ट आ रही है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला ही 300 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिलेगी। और ये देखिए फ्रेंड, 12 वोल्ट का 12 वोल्ट एक्यूरेट मुझे मिल रही है। अगर 12 वोल्ट नहीं मिल रही है तो यहाँ पे प्रीसेट दिया हुआ, इस प्रीसेट को घुमा के वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और 24 वोल्ट तक भी कर सकते हैं, 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसको एक्यूरेट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे वोल्टेज एक बार और चेक करके दिखाते हैं। देखिए कुछ वोल्टेज मैंने कम किया हूँ, तो देखिए वोल्टेज कुछ कम हुई है, आप वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं एक्यूरेट। तो चलिए इसको यहाँ पर लगा लेते हैं फ्रेंड। इजीली आपको हिस्टिंग प्लेट्स के साथ ही लगाना, हम लोग नॉर्मल हिस्टिंग प्लेट लगाया हूँ, तो यहाँ पे हिस्टिंग पेस्ट भी लगा लेना है, जो कि व्हाइट वाली पेस्ट ही है, इसको हिस्टिंग पेस्ट बोलते हैं फ्रेंड, जो कि आपको मार्केट में जल्दी मिल जाएगा कहीं भी। और इसको यहाँ पर नॉर्मल मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, जो कि LED TV में कुछ इस तरीके से रहता है, और हिस्टिंग प्लेट भी लगा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, होम थिएटर को लगाते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है लाइन भी आ जाएगा फ्रेंड अभी लगाते ही। देखिए फ्रेंड, हमारा जो है बजने लगा है, और ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं इसको बजाऊंगा।